अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, सेगमेंट कससुल अंबिया के साथ हाज़िर है। आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़िया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया, आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। इसी तरह बारहा आपका गला घोंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते, मगर इन ईज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को ना सुने और ना इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी थी और उसमें 3 दर्जे थे, निचले तबके में दरिंदे और हशरातुल अर्ज और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई। 100 बरस की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का समर थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह, अब तुम बड़े ही बन गए, हालांकि पहले तो तुम कहा करते थे मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता ऐ नूह, इस खुश्क ज़मीन पर तुम कश्ती बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। तरह तरह के तमस्खुर और इस्तेहज़ा करते, किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदजुबानियाँ करते रहते और आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार करा दिया और ख़ुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम साम और याफस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द और औरत यानी कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए और आपकी एक बीवी वाइला जो काफिरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफ़ान में गर्क हो गए। रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया, तो इन दोनों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों उसको ज़रर नहीं पहुँचाएँगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई और तूफान ख़त्म होने के बाद आप माँ कश्ती वालों के ज़मीन पर उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और आपकी औलाद तमाम रुए ज़मीन पर फैलकर आबाद हो गई, इसीलिए आपका लकब आदम एहसानी है। कुरान मजीद में खुदावंद अज़्ज़ व जल ने इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि वओहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तबतइस बिमा कानू यफअलून
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے. غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں, اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا ہے, اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے, اس پر ہنستے, بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو, تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے, اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. وما علینا الا البلاغ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر خادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.